फ्रेंड्स, वेलकम है ममता की इस थाली का। आजकल हमारे मार्केट में बहुत ही अच्छी भिंडी आ रही है और लास्ट ईयर मैंने आपको माइक्रोवेव में झटपट कुरकुरी भिंडी बनानी बताई थी। आज मैं बेसनी मसाला भिंडी बनाऊंगी जो कि बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी लगेगी और मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। और इस भिंडी की एक विशेषता ये होगी, आपको जितने मसाले आप डालोगे सारे मसालों की अलग अलग स्मेल आएगी। तो प्लीज़ पुराने फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद और जो नए फ्रेंड्स हैं वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर तो जरूर करना ताकि सब बना पाए। तो करना क्या है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो भिंडी धोकर और किचन टॉवल से क्लीन करके ले ली है, बिल्कुल साफ है। अब मेरे को इनके, ये देखिए, ये जो आगे है और ये पीछे है, ये ऐसे मैं क्लीन कर, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये और ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखिए मैं सारी भिंडी क्लीन ऐसे काट लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सारी भिंडी क्लीन करके तैयार कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, देखिए, यदि आप बस इतनी बड़ी भिंडी है तो इसके आप ऐसे तीन पोर्शन बनाइए और इसके अंदर मसाला जाए तो इसके लिए हल्का सा ऐसे कट लगा लीजिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ताकि मसाला अंदर तक जाए। और यदि छोटी भिंडी है तो इसके ऐसे दो कट लगा के आप इसमें कट लगा लीजिए ऐसे। तो चलिए सारी काट लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी काट के तैयार कर ली, बीच में से इन सब में चीरा भी लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, आप सबसे पहले इन्हें मैरिनेट करेंगे। तो मैं इसमें सिर्फ एक टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, इसलिए कि मैरिनेशन मेरा अच्छे से कवर हो जाए। देखिए, अब पहले ऑयल में इन्हें कोट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनके ऊपर मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला और ये देखिए खूब अच्छे से इनके ऊपर कोट हो गया है, बहुत अच्छे से मिक्स किया है मैंने। अब क्या करना है आपको, देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने बेसन लिया है, नॉर्मल बेसन है, ये भुना हुआ बेसन नहीं है, नॉर्मल बेसन है। सॉल्ट जितना मुझे भिंडी में डालना है मैंने उतना लिया है, लेकिन मैं इसमें मैरिनेशन में बहुत ही पिंच डालूंगी। ये धनिया और सौंफ पाउडर है जो कि मैंने पूरा एक टेबल स्पून भर के लिया है। ये मेरे पास सब्जी मसाला है और ये मेरे पास हल्दी है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मैं इसके ऊपर बेसन कोट करूंगी और बहुत अच्छे से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे मुझे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाइए, खूब अच्छे से कोट कर लीजिए। हमने पहले ऑयल डाला है इसमें तो इसलिए ये बहुत अच्छे से बेसन इसके ऊपर कोट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल है इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सौंफ और धनिया का पाउडर है, ये हाफ, जितना मुझे वेजिटेबल बची है उसका हाफ मैरिनेट कर लिया। ये मैंने हल्दी ली है, पिंच डालूंगी, देखिए जरा सा, ये देखिए, और ये मैं सॉल्ट भी पिंच डाल रही हूँ, देखिए बहुत जरा सा, क्योंकि भिंडी बनने के बाद श्रिंक हो जाती है तो सॉल्ट उसके हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है तो ये भी मैं इतना डाल रही हूँ, ये देखिए, और अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैं इसे मिक्स करती हूँ, बहुत अच्छे से। इसमें आप थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि हर भिंडी पे मसाला इक्वल आ जाए। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये पैन लिया है और इसमें ये मैंने थोड़ा सा चारों तरफ ऑयल डाला है। आप इसे कढ़ाई भी लेके खूब सारा ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ मैंने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने भिंडी में मैरिनेशन किया है, ये देखिए जो भिंडी मैरिनेट किए हैं, अब मैं इनको ऐसे शैलो फ्राई करूँगी खूब अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ और ये आप खूब अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे।
ये देखिए कितनी अच्छी शैलो फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए आपको मैंने बताया, आप इसको कढ़ाई में डाल के, बहुत सारा ऑयल डाल के भी कर सकते हैं यदि आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहे जो ऑयल जो खाते हैं कुकिंग ऑयल वो आप ले सकते हैं, क्योंकि भिंडी कई लोग सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में पसंद करते हैं, तो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए। मैं हेल्थ इशू के चक्कर में ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ये देखिए मेरी भिंडी बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये गल भी चुकी हैं क्योंकि ये फ्राई हो चुकी हैं खूब अच्छे से। और दो तीन मिनट फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी भिंडी कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी हैं, शैलो फ्राई, और बहुत जल्दी हो गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं इनको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देती हूँ और ये होती रहेंगी। अब इनका मसाला तैयार करते हैं। देखिए मैंने दूसरा पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 टीस्पून, ये देखिए 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल लिया है, इसे भी क्योंकि हम बहुत कम ऑयल में बना रहे हैं। ऑलिव ऑयल लिया है ये भी मैंने। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए मैंने ये 2 छोटे टमाटर थे मेरे पास, 2 टमाटर और हरी मिर्च, दोनों को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लिए है। और ये जो मेरी दही वाली बेसनी भिंडी है, इनके लिए एक ये मैंने 2 टी, ये इतना मैंने दही लिया है और इसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और ये मेरे पास सारे मसाले हैं जो मेरे पास मसाले बचे हुए। ये देखिए मैंने ये ऑयल डाला है, ये 1 टेबल स्पून ऑयल है, और इसमें अब हम ये अजवाइन, अजवाइन को ऐसे हाथ में क्रश करके डालते हैं। ये अजवाइन डाली, क्रैक हो गई अजवाइन, इतना अच्छा क्रैक आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम मसाले भूनेंगे, तो हम सबसे पहले सौंफ धनिया पाउडर डाल रहे हैं, ये हम हल्दी डाल रहे हैं जो हमने हल्दी ली थी, और ये हमने जो लाल मिर्च ली थी वो डाल रहे हैं, और इसे थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे। देखिए हो गया। अब हमने ये जो टमाटर लिए हैं ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमें अमचूर या खटाई डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दही भी यूज़ कर रहे हैं और टमाटर भी यूज़ कर रहे हैं, खट्टे टमाटर हैं, देसी टमाटर हैं मेरे। अब इसे मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ। ये देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा भुना है मैंने, ऑयल एकदम बाहर आ गया। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यहीं पे आपकी मेहनत होती है। ये देखिए मसाले में से ऑयल एकदम बाहर आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। ये देखिए मैं आपको बता, अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए क्योंकि ये जो हमने कर्ड बीट करके रखा है, यदि हम ये डालेंगे और ये फट गया तो बहुत ही ख़राब हो जाएंगी भिंडी, तो हम सबसे पहले गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिए, देखिए, और इसको मैं ऐसे चलाती रहूँगी अभी 2 मिनट। अब ये देखिए अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब इसमें भी है बीटेड दही मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए और इसे अब मैं लगातार चलाऊंगी ताकि ये फट नहीं जाए। ये देखिए खूब अच्छे से मैंने दही को इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए अब मैं गैस ऑन करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है, और उधर मेरी भिंडी फ्राई हो चुकी हैं, और आपको बहुत ही अच्छी खानी है तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मसाले ने ऑयल छोड़ दिया बाहर। अब ये देखिए ये जो मैंने फ्राई करके रखी है बेसन में, अब मैरिनेट करके फ्राई की थी, अब ये मैं भिंडी इसमें मिक्स कर दूंगी, और अब आपको हाथ नहीं रोकना है, बहुत अच्छे से चलानी है। देखिए भिंडी ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, सिर्फ इन पे मसाले की कोटिंग देनी है। ये देखिए गैस पूरी रखनी है, देखिए, और हमें इन पे कोटिंग देनी है ऐसे, और हमें अमचूर या खटाई डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने सॉल्ट पहले नहीं डाला, सॉल्ट मैं अब डालूंगी, मैंने पिंच डाला था क्योंकि भिंडी कम हो जाती है, श्रिंक होती है, अब हम इस पे सॉल्ट डालेंगे। ये देखिए ऐसे हम सॉल्ट, ये देखिए मैंने सॉल्ट डाल दिया है इसमें। इसके बाद हम इसे लगातार फ्राई करेंगे। मसाला भिंडी है ये, या आप इसे दही वाली बेसनी भिंडी भी कह सकते हैं।
अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था सब्जी मसाला मैंने लिया है, तो अब मैं सब्जी मसाला डालूंगी। ये देखिए, और इसको मैं अब कवर कर देती हूँ ताकि मसाले भिंडी में चले जाएं। दो तीन मिनट में वाह कितनी अच्छी बनी है भिंडी। ये देखिए मसाला भिंडी कितनी अच्छी बनी है। चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए सब कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी मसाला भिंडी तैयार हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही अच्छी मसाला भिंडी तैयार हुई है। तो आप भी ये भिंडी बनाइए, खाइए, खिलाइए, और इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, हर किसी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन बेसनी भिंडी का, दही वाली भिंडी कह सकते हैं, बेसनी भिंडी कह सकते हैं, या आप मेरे को नाम बताइए कि आप इसका क्या नाम रखना चाहेंगे। फिर मिलते, और जो भी आपकी भिंडी कैसी बनी है आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये भिंडी कैसी बनी है, और खा के बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।